नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। यूपी सरकार का कहना था सभी सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। भाजपा के विधायक मस्त, जनता पस्त। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में भाजपा के 2 सांसद और 8 विधायक हैं। आज जब परमार्थ आवाज के ब्यूरो चीफ जनपद हरदोई में इतनी ठंड में बाइक से पिहानी कस्बा की जमीनी हकीकत देखने को निकले तो कुछ इस तरह हाल निकला। जनपद की कस्बा पिहानी से जहानी खेड़ा नेशनल हाईवे 24 नंबर को जाने वाला रोड जर्जर हालत पर पड़ा हुआ है। भाजपा ने गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का बड़बोला बयान तो दिया था, लेकिन आज तक यह रोड खुद पर रो रहा है। वहां की आम जनता परेशान हो रही है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की जुबान से ही उनकी परेशानियां। हरदोई से ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला की इस रिपोर्ट में। जानी खेड़ा जो रोड गया हुआ है और आप सहारनपुर नगर के निवासी हैं, क्या आपको आने जाने में कोई दिक्कत होती है? बहुत बड़ी, हमको नहीं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, हमी को नहीं। और मैं डेली आता जाता हूँ पिहानी। अच्छा। बाजार और सारे कार जो है, दवा इलाज और बड़े बड़े गड्ढे, हम ही नहीं पूरे यहाँ के पूरे क्षेत्रवासियों को दिक्कत है। और कई एक एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ। आज हरदोई जनपद में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं, 8 विधायक हैं, तो उन लोगों ने कोई आश्वासन दिया है नहीं? मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि ये रोड बनवाएं जल्दी से जल्दी। और हमारे ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों ने रिक्वेस्ट की है उनसे, हर बार बहाना कर देते हैं, वादा कर देते हैं, बनवाते नहीं है। चाचा, देश की आज़ादी से आज तक आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत कुछ देखा कि देश में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, गरीबी भी देखी आपने, आज अमीरी भी देखी। लोगों ने, जिनके पास साइकिल थी वो आज मोटरसाइकिल से हो गए हैं, लेकिन जो रोड जिस पर साइकिल और मोटरसाइकिल चलनी चाहिए पिहानी से जहानी खेड़ा जाने वाला है, इस रोड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस रोड के बारे में हमारे यहाँ की पब्लिक जो है और हम हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि इस रोड को बने, और जो नहीं करेंगे तो हम बोलो बोलो हम लोग सब मिलकर के बहुत परिश्रम किया बुजुर्ग लोगों ने, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कि हमारी जितने जो MLA MP सरकार जो भी आई है उसको ये चाहिए कि जो मेहनत की है बुजुर्गों ने उस मेहनत को सफल करें और उसको विफल मत करें। इसलिए हम लोग जो हैं पुराने, तो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे सरकार संभाल के। हाँ, तो ये आज़ादी की भूल भुलैया में नहीं भूलो, और अपने यहाँ मस्ती से खूब झूलो, ऐसे काम नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ की पब्लिक, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे गांव में, वैसे तो हम ये जानते हैं। आपका क्या नाम है? सईद मोहम्मद। जो रोड आपके हरदोई से पिहानी होती हुई जहानी खेड़ा को जाती है जी, और आप सहारनगर के निवासी हैं, तो आप इस रोड पर जाते आते हैं पियानी जहानी खेड़ा, तो आपको कोई दिक्कत महसूस होती है? नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत। क्या परेशानी होती है आपको? सब इतने बड़े गड्ढा गुच्ची सब बने हैं पिहानी से, रहे जो साधन जी भी हमें कम से कम आध घंटा करो, एक घंटा करो, खुले इसलिए जो है बहुत बड़ी कठिनाई हुई रही क्षेत्रवासियों के। तो आप क्या चाहते हैं? अब कहते क्या है, हमारी सड़क बनवाई दी जाए और मान लो सरकार से रह जाए अनुरोध। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि हम गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे, तो क्या ये काम सरकार कर रही है? कहाँ कर रही है आप बताइए। वादा किया था, वादा तो पूरा नहीं किया भाई।